चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां वैक्सीनेशन में प्रदेश एक बार फिर से आगे है। तो सोमवार को देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। वैक्सीनेशन में प्रदेश एक बार फिर से आगे है। करीब 8,22,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। सोमवार को देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। स्वास्थ्य विभाग ने 10 लाख का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 8,22,000 लोगों को कल वैक्सीन लगी। आज सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सोमवार को देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। करीब 8,22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कल यानी कि सोमवार को करीब 8,22,000 डोज वैक्सीन के लग गए। तो स्वास्थ्य विभाग ने 10 लाख वैक्सीन का लक्ष्य रखा था। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर अद्वरियो जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, वैक्सीनेशन के लिए लगातार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है और इसका असर भी दिखाई दिया। एक बार फिर से प्रदेश सोमवार को नंबर वन पर रहा, पूरे देश में अव्वल रहा। जी अंकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। अंकुर जी, एक बार फिर से प्रदेश नंबर एक पर रहा, वैक्सीनेशन में आगे रहा देश में। सोमवार को सबसे ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगाई गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वैक्सीन के मामले में लगातार ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश हमेशा से ही नंबर वन आता रहा है। इसी तरह से सोमवार को 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 8,22,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसके तौर पर काफी अच्छा रहा, अव्वल आया। आज जो है वो गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। जी ठीक है अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो लगातार प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है वैक्सीनेशन के लिए। कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश अव्वल रहा। पूरे देश भर में सोमवार को सबसे ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगाई गई। हालांकि लक्ष्य था 10 लाख वैक्सीन का, वहीं करीब 8,22,000 डोज कल लगाए गए हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानून के दायरे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां। तो गृह मंत्री इस बारे में विधि विभाग से चर्चा कर रहे हैं। अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कानून के दायरे में हैं। गृह मंत्री इस बारे में विधि विभाग से चर्चा कर रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नजर रखने के। निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गेमिंग के चलते छतरपुर में 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या की थी और बच्चा ना फंसे इस बात की निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए अंकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, गेमिंग के चलते छतरपुर में एक 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी और अब उसके बाद लगातार देखा जा रहा है प्रशासन सक्रिय है, सख्त मूड में है। कानून के दायरे में अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले दिनों देखने में आया था कि पबजी वगैरह ऐसे जो ऑनलाइन गेम है, इनसे काफी नुकसान हुआ था देश में, कई जगह कई घटनाएं हुई थी। अभी छतरपुर में जिस तरह से जी ठीक है अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 13 साल के एक बच्चे ने छतरपुर में गेमिंग के चलते ही आत्महत्या कर ली थी और कहीं ना कहीं इस मामले के बाद सरकार सख्त मूड में दिखाई दे रही है। कानून के दायरे में अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं और विधि विभाग से इस बारे में गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं।